फेशियल के बारे में, जो कि मैं ब्राइट को ज़्यादा अच्छा रहेगा और ड्राई स्किन वालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो वो है न्यूट्रॉन का फेशियल है, और इसका जो प्राइस पैकेजिंग है जिस टाइप का है, इसका पैकेजिंग जिस टाइप का है, ये न्यू पैकेज है। और इसका प्राइस ये एक्चुअल प्राइस इसका 285 रुपीज़ का है, तो ऑफर में मुझे 225 रुपीज़ में मिला है। सबसे पहले बात करेंगे इस पैकेजिंग के बारे में, जिस टाइप का दिखता है वो फेशियल किट है, न्यूट्रल का है, रिलीफ का मैट्रेस, और ये है फेशियल की रेडियंस सीरम कॉम्बो में आ रहा है। इसमें एक सीरम भी है जो कि आप ऐड करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सीरम लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है, और इसको जितना भी स्टेप्स यूज़ करना है, किसके बाद में क्या यूज़ करना है, उसका पूरा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है इसमें, तो ये पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर देख के किस टाइप से यूज़ करना है पूरा दे दिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका जितना भी इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ पर देख लूँगी इंग्रेडिएंट्स है, वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, पूरा सबका इंग्रेडिएंट मेंशन कर दिया है। अब कोई भी आपको डालने की जरूरत नहीं है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि आप आराम से यूज़ कर सकते हो। कोई भी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो, ड्राई स्किन वाली हो, वो यूज़ कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ब्राइडल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन सीरम है, जो सीरम से बहुत अच्छा लुक देता है और ग्लोनेस जल्दी लाता है। और ये सबसे अफोर्डेबल चीप प्राइस में ये अच्छा वाला फेशियल है, जो कि मैंने बोल रही हूँ कि मैंने यूज़ किया है और भी करना चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं वाटर है इसमें, और ये स्पंज है जो कि मेरा सिस्टम ने मुझे दिया था, वही मेरा लंच का टाइम में दिया था, तो ये मेरा मैसी दे दिया। ये भी अगर आपको आपके पास कोई भी फेशियल टिश्यू वगैरह है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें वार्म वाटर है, वार्म वाटर चाहिए क्योंकि वार्म वाटर से आपका पोर्स ओपन रहता है, तो आपका क्रीम एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से होता है। तो आप इसे ओपन करते हैं तो सिरम
से अच्छी तरह से सर्व कर ड्रीहाइड्रेशन स्किन है और थोड़ी सी डार्क स्पॉट भी आ गया है मैरिज से मैरिज के लिए और टैनिंग है अनइवन स्किन टोन है मेरा यही एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद नहीं है जो कि मेरा बहुत ड्रीहाइड्रेशन है और इसे 2 to 3 मिनट्स अच्छी तरह से सर्कुलर मूवमेंट में सच करना है वाटर डिप करते हुए अप्लाई कर रही हूँ और अगर आप लोगों के पास कोई पैक है और रिटर्न पैक है तो फर्स्ट मैं आप रिटर्न पैक करती हूँ उसके बाद फिर क्लिनजिंग करती हुई फर्स्ट ये क्लिनजिंग करिए क्लिनजिंग जो कि मैं कर रही हूँ उसके बाद मैं रिटर्न पैक अप्लाई कर रही हूँ फिर अच्छी तरह से यूज करके उसके बाद आप स्क्रब यूज़ कर सकते हैं जो कि और अच्छा अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा क्योंकि रिटर्न रिमूव करके आपका जो असली फेस उससे आएगा तो वो बेटर है तो ये हो गया है जेल करेंगे मसाज करेंगे तो उसमें थोड़ा
लग जाएगा और आपको मसाज करने में भी रिलैक्स फील नहीं होगा इस वर्क के कारण से। इसीलिए आपको अच्छी तरह से तो हमारा थर्ड स्टेप है कोल्ड मसाज या मसाज जेल। तो ये मसाज जेल है जिस टाइप का आप इसे मैं हाथ में ले रही हूँ और इसे मसाज करना है 10 to 12 minutes और आपके फेस पूरा वाटर नहीं होना चाहिए क्योंकि मसाज जितना आपका फेस ऑयल निकलेगा उतना ही अच्छा अवेयरनेस देगा। तो फिर से मैं दो ड्रॉप डाल रही हूँ और अच्छी तरह से हैंड स्टेप से करके मिक्स करके फिर मैं आपको चेक कर रही हूँ। आपका हैंड्स में भी वाटर नहीं होना चाहिए, आपका फेस में भी वाटर नहीं होना चाहिए। इस टाइप से करते मसाज करते करते जिस टाइप से ऑयल ही निकलते जाएगा उतना अच्छा आपका फेस में ग्लो आएगा। तो हम मसाज करूँ और मसाज का फर्स्ट स्टेप है नेक। तो मैंने नेक में नहीं कर रही, तो मैं यहाँ से जॉइंट से स्टार्ट करूँगी। सो फर्स्ट में लाइट टू सर्कुलेट मसाज करेंगे। फिर मसाज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो तभी मैं आपको दिखा रही हूँ जिस टाइप से करने से लगे और अच्छी तरह से स्टेप नहीं कर पा रही हूँ कि अपने खुद से करने से। अगर आपको फेशियल का मसाज स्टेप देखना है तभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं फिर से मैं दूसरा वीडियो आपके लिए जरूर रेडी करूँगी। एक्चुअली मैं पहले ब्यूटिशियन ही आती है लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, आप मैं हिंदी हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं भी थी मैं भी आप ब्यूटिशियन। Clockwise आपको करना है।
दो से तीन बार रिपीट करना है। काश मुझे दूसरा कोई और कर देखा, मैं सो पाती अच्छी तरह से मुझे दूर। उसके बाद हम आते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी गाइस, मैं अच्छी तरह से स्टेप नहीं दिखा पा रही हूँ, मैं समझ कर खुद पे करना बहुत डिफिकल्ट है। तो गाइस मेरा मसाज कंप्लीट हो गया है और मैं जितना हो सके उतना सिर्फ मसाज दिखा पाई। अगर आप लोग को फेशियल स्टेप मसाज का स्टेप अच्छी तरह से देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं किसी और का फेस में करके दिखाऊंगी कि स्टेप बाई स्टेप से मसाज अच्छा लगता है। और मेरा कंप्लीट हो गया, आप देख सकते कितना स्मूथ लग रहा है और मेरा मसाज भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होके मेरा ऑयली ऑयली सा हो गया है, मेरा खुद से ऑयल निकल रहा है फेस पे। तो अगर आप लोग का स्किन, अभी मैं पैच लगा रही हूँ अपने फेस पे लगाऊंगी अपने स्किन फेस पे मैं पैच लगाऊंगी। अगर आप लोग का स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप ये पैच किसी के ऊपर में लगा सकते हैं। अगर आप लोगों अच्छा नहीं लगता है या आपका उतना ज़्यादा ड्राई स्किन नहीं है तो आप वो वर्कआउट करके उसके बाद में पैक लगा सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी के ऊपर में लगाइए तो और अच्छी तरह से ग्लो आता है। तो मैं उसके ऊपर ही लगाऊंगी क्योंकि मेरा मैं जल्दी धीरे से करती हूँ। उसके अंदर में कुछ स्टेप का है, ये है पैक कुछ स्टेप का है। और ये मैं थोड़ी सी ड्राई है ये पैक, इसलिए मैं ये हैंड्स पे ले रही हूँ। इसके बाद थ्री ड्रॉप्स मैंने डाल दिए। लूज हो जाएगा स्टेप से, अभी लूज हो रहा है पैक, क्रीमी बेस में आ रहा है। उसके बाद ये अप्लाई करनी है फेस पे। और कभी भी पैक अप्लाई करने से डाउन स्किन अप्लाई होती है, अप अप्लाई करिए जैसे आपका फेस में जो भी क्रीम हो जो भी हो आप अप करके अप्लाई करिए। Thank you.
और ये जो मैं है आपको आपको 15 मिनट्स तो गाइस मैंने पैक करवा ली है, तो दूध नहीं लग रही है, तो मिलते हैं 15 मिनट्स बाद। गाइस आई एम बैक और 15 मिनट्स कंप्लीट हो गया है। तो उसी टाइम मैंने टीवी बना लिया है, तो मैं पीते पीते मैं आपको मूव करके दिखाऊंगी। वो ड्राई हो गया है तो मैं हैंड्स में थोड़ी सी वाटर डिप करके उसके बाद सिर्फ मेरे मूवी में अप्लाई करना है, मसाज करना है। तो अभी शाम होने वाली है तो लाइटिंग भी थोड़ा अलग दिख जाए। तो लगाऊंगी जो भी पैकेज में था मॉइस्चराइजर, लेकिन यहाँ पे लेके आए फेस क्रीम। और इससे पहले मैं मेरा खुद का टोनर में अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे टोनर तो नहीं है, तो मैंने ये मैंने अपने आप बनाई है ये टोनर कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के। तो ये टोनर मेरे पास में अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं क्रीम बना सकती। तो अगर ये टोनर भी इस टाइप से मैंने बनाया आप लोग को देखना है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये टोनर है जो कि मैंने अलग अलग जो ग्रीजिंग स्टेप से कुछ कुछ डाल के मैंने बनाया है, अगर आप लोग को देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं ये रेडी करूँगी। वैसे भी ये ख़त्म हो गया है, मुझे बनाना ही है। उसके बाद एक क्रीम लगाऊंगी, सो गाइस मेरा फेशियल तो कंप्लीट हो गया है। और आप लोग को शायद रिजल्ट पता चल रहा है नहीं, अभी तो शाम भी हो गया है करते करते, तो बहुत ही पसंद आया ये क्रीम। और ये करने के बाद में बहुत सॉफ्ट और स्मूथ लग रहा है अपने फेस को मेरा। अगर आप बर्स अप के अपने यूज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छा फेशियल किट हो। सो गाइस मेरा फेशियल कंप्लीट हो गया है। और गाइस आप लोगों को ये फेशियल पसंद आए और इसका स्टेप भी पसंद आए, इसका प्रोडक्ट भी पसंद आए हैं। इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो सीरम है जो कि इसमें फ्री आया है और कॉम्बो में है, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग जरूर यूज़ करिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और भी इस टाइप के वीडियोज़ देखने के लिए। और इसी टाइप के कोई वीडियो मेकअप वीडियो और वीडियो देखने हैं तो आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में, तो मैं जरूर वेटिंग करूँगी। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।
वीडियो पसंद आए और इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे जब यूज़ करिएगा, यूज़ करके मुझे बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा और इसी टाइप की कोई वीडियो, मेकअप वीडियो, फेशियल्स और कुछ भी लाइव वीडियो देखना है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, तो मैं जरूर रेडी करूँगी। और फेशियल करने के लिए बिल्कुल भी मत घबराइएगा, ये बहुत ही अच्छा फेशियल है फॉर ड्राई स्किन के लिए। और अगर आप लोगों को ग्लो चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, 225 रुपीस में आपको फेशियल का 3 पीरियड इतना ज़्यादा। और आप इससे आप 6-7 टाइम आराम से फेशियल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये 2 टाइम हुआ और भी मैं यूज़ करूँगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इसी टाइप का वीडियोस देखने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और कुछ वीडियो मेकअप वीडियो देखना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।